तो इस वजह से मीका पाजी भड़क उठे हैं केआरके के ऊपर। केआरके के ऊपर भड़क कर उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जिनमें से एक बात तो ये भी कही है कि अरे कोई मेरे बेटे को बोलो कि मुझे जो है ट्विटर से अनब्लॉक करे। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से मीका पाजी बोलते हैं, एक लीडिंग पोर्टल के साथ बातचीत करते हुए बोलते हैं कि भाई मुझे जो है इस वजह से गुस्सा आया। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नन अदर देन मीका पाजी के बारे में। लीडिंग न्यूज चैनल के साथ बातचीत करते हुए मीका पाजी ने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि वो केआरके के ऊपर गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो बहुत बकवास बातें कर रहा था। वो सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन पर सवाल खड़े कर रहा है। वो बीइंग ह्यूमन जिस तरीके से काम करता है उस चीज को कहीं ना कहीं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। राधे फिल्म को लेकर कोई भी बकवास उसने जो भी रिव्यू दिया है, सलमान खान को कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। लेकिन यहां पर बीइंग ह्यूमन जो इतनी बड़ी चैरिटी करती है, इतनी बड़ी चीजें करती है, उस पर उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, जो बकवास बातें बोली हैं, इस पर ज्यादा गुस्सा है। तो ऐसे में दोस्तों मीका पाजी ने एक बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं कि केआरके इस बारे में क्या जवाब देते हैं। वैसे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों तो केआरके वर्सेस सलमान भाई ये मुद्दा जो है पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा उछल रहा है, जहां पर केआरके बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीजें करते हुए है। अब देखना यह जबरदस्त होगा कि आखिरकार सलमान भाई जीतते हैं एंड में या फिर केआरके। वैसे जनता किसके सपोर्ट में है ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आपको। आपको क्या है कहना, आप किसके सपोर्ट में हो, कमेंट सेक्शन में जाओ बिंदास मुझे बताओ। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूड्स।